नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। मेरे चैनल एंडी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जब आप दोस्तों यूट्यूब पे SYL ढूंढेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा, यानी कि उसमें लिखा हुआ है इस गाने को यूट्यूब से हटा दिया गया है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हुआ कि इसके कारण क्या थे, लेकिन इस रिलीज के बाद गाने के कुछ हिस्सों को लेकर के काफ़ी बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। और माना जा रहा है कि इस गाने के कुछ हिस्सों को विवादित माने जाने के कारण ही इसे YouTube से हटाया गया है। ऐसे में जैसे सिद्धू मूसेवाला के आधिकारिक YouTube चैनल पे इस गाने पर क्लिक किया जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक नोट दिखाई देता है, दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस कंट्री डोमेन ड्यू टू लीगल कंप्लेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जिसका अर्थ ये हुआ कि सरकार की ओर से कानूनी शिकायत के कारण ये कंटेंट इस कंट्री डोमेन में उपलब्ध नहीं है। सिद्धू मूसेवाला का गाना SYL 23 जून को रिलीज हुआ था, यानी कि उसके डेथ के करीब एक महीने बाद। इसे यूट्यूब पर 27 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया और ये भी माना जा रहा है कि मूसेवाला का ये गाना चर्चित विवाद सतलुज यमुना लिंक नहर पे आधारित है। मूसेवाला का गाना उस पानी के मुद्दे और सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में बात करता है जो लंबे समय से पंजाब और हरियाणा के बीच एक कहना चाहिए कि कलह का कारण बना हुआ है। सिद्धू मूसेवाला के नए गाने SYL में पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का कारण रहे सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में बात की गई है। इस गाने में अविभाजित पंजाब 1984 के सिख दंगों और बंदी सिखों की रिहाई सतलुज यमुना लिंक नहर से जुड़े अधिकारियों के हत्या करने वाले और बब्बर खालसा से जुड़े बलविंदर जटाना के बारे में भी बात हुई है। गाने को काफी हरियाणा विरोधी बताया गया है और इस गाने में मूसेवाला ने पंजाब के पानी की एक भी बूंद किसी को न देने की बात की है, जिसके बाद कुछ लोगों ने इसे हरियाणा विरोधी करार दिया। साथ ही किसान आंदोलन, लाल किले में निशान साहब के झंडे को फहराने, दिल्ली हिंसा जैसी घटनाओं का जिक्र भी किया है। गौरतलब है ये भी कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की काफी लोकप्रियता है, बहुत लोग उसे प्यार करते थे, मतलब केवल भारत में ही नहीं वो भारत से बाहर भी उसके गाने लोग सुनते हैं। लेकिन पिछले महीने ही उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी और ये घटना पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षा वापस लेने के एक दिन बाद ही हुई। काफ़ी मूसेवाला की हत्या पे लोगों ने अपनी सिंपथी दिखाई और इस घटना की जिम्मेदारी कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली। एक फेसबुक पे उसने पोस्ट की और उसमें बाकायदा उसके साइन भी हैं और उसमें उसे माना कि ये जो है इसलिए हमारे गैंग ने उसको मारा है। अब देखिए जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के पानी पे बात है, सिख राइट्स पे बात है, किसान आंदोलन पे बात है, लाल किले पर निशान साहब के झंडे को फहराने की बात है, पहले तो मैं इसी से शुरू करती हूँ कि निशान साहब का जो झंडा है वो लाल किले पे फहराने का क्या मतलब है इसका? हमेशा निशान साहब जो है वो गुरुद्वारे में फहराया जाता है, ना कि हम उसको अपने घर पे टांग दें या हम उसे किसी भी बिल्डिंग पे टांग दें। मतलब हम किसी चीज़ को अपना कह रहे हैं, हम उस पर वहाँ पर झंडा टांग दें, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये केवल एक शैतानी के तहत घटना हुई थी, ये कारण है उस गीत को हटाने का। उसके बाद किसान आंदोलन की बात की गई। किसान आंदोलन में जो ऑब्जेक्शनेबल हिस्से थे, यानी कहिए कि वो पूरा
जिस वजह से किसान आंदोलन हुआ था उस वजह को ही खत्म कर दिया गया है राइट नाउ, और हरियाणा के विरोध में इस गाने में बहुत कुछ है, तो इस गाने को क्यों ना हटाया जाए? बहुत सारे लोग आज भी इस पे फेसबुक पे बात करते हैं कि इस गाने को क्यों हटाया गया। अच्छा, एक और बात है, अगर आप प्राइम के म्यूजिक पे जाएंगे तो आप ये वहाँ पे ये गाना आराम से सुन सकते हैं। अब यूट्यूब से हटा दिया है, बहुत अच्छा किया है। मैं तो कह रही हूँ कि इसको पूरी तरह से दूसरे कंट्रीज में भी इसका विरोध किया जाना चाहिए। ये देश के हित की बात है। SYL गीत जो है एक तरह से मतलब एक राइटर का माइंडसेट बताता है, और ये भी इस गाने के जरिए क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, मूसेवाला अपने गीत खुद लिखता था और इसके गीत भी खुद ही लिखे हैं। बाकायदा इसमें कहीं कहीं पोस्टर का इस्तेमाल किया गया है, और कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल उसमें फोटोज का यूज़ किया गया है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट बताती है ना। ठीक है, आज मूसेवाला को बहुत लोग प्यार करते हैं, मूसेवाला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर हम इस गीत को देखें तो फिर जो जांच चल रही है, जो हमारी पुलिस, हमारी करीब 7 प्रदेशों की पुलिस जो है लगी हुई है उसके कातिल को ढूंढने में, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इसीलिए ना कि एक माँ का बेटा गया है। लेकिन अगर अब मैं इसी समय ये बात करूं कि उस बेटे ने गीत क्या लिखा है, तो देश के लिए क्या सोचता है, क्या वो केवल अपने अपने ही आसपास के लोगों के बारे में सोचता है, उस देश के बारे में नहीं सोचता है जहां वो पैदा हुआ है, केवल वो एक अपने स्टेट के बारे में सोचता है और स्टेट को वो कितना प्यार करता है, किस तरीके से गैंग के बीच में वो फंसा हुआ था, किस तरीके से लोग उसको ढूंढ रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस गाने की वजह से बहुत सारे लोगों का दिल भी टूटा है कि उसको अपने देश से कितना प्यार है। ये इस गीत को देख के पता चलता है। इसी वजह से इसको अपने कंट्री डोमेन से हटा दिया गया है। मैं कल ही प्राइम का म्यूजिक देख रही थी, उस पे इस गीत को, वहाँ पे ये गीत उपलब्ध है। इट मीन्स मतलब वहाँ जा करके इस गीत को सुना जा सकता है। खैर, आपसे मैं ये पूछती हूँ कि अगर इस गीत को हटाया गया है तो आपकी नज़र में वो क्या है? मेरी नज़र में वो सही है, आप अपनी राय मुझे बताइए। फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कंटेंट के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।